أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله العزلي الرحمن الرحيم. وما كان هذا القرآن أن يفترى به وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ईमान की बुनियादी चीज़ें जिस पर कायम रहने वाले को मुसलमान कहते हैं, जिस पर कायम रहना इस्लाम है, दीन है, इस्लाम है, दीन है, वो दीन है जिसको अल्लाह ताला ने सर्टिफाई किया है, सदाकत दी है. इन्ना दीना इंदल्लाही अल इस्लाम. अकीदे तौहीद उसकी हकीकत क्या है, जिसको इंतहाई इख्तिसार के साथ सारा कलाम पाक उसी की वजाहत और तफसील पेश करता है, जो हम ईमान मुफस्सल की शक्ल में पढ़ते हैं, बच्चों को याद दिलाते हैं. पढ़ना भी है, याद दिलाना भी है, सिर्फ याद हो जाना काफ़ी नहीं, उसकी हकीकत और वजाहत क्या है. सूरह यूनुस चल रहा है, मुकम्मल पूरा सूरह अकीदे से मुताल्लिक है. सबसे अहम रुकन ईमान का अकीदे की इस्लाह करना है. कमोबेश दुनिया के अख्वाम को, मुख्तलिफ दीनों से ताल्लुक़ रखने वालों को अल्लाह का इकरार है, मज़हब का नाम देते हैं, मज़हब का तसव्वुर है, चहल पहल भी है उनके, उस तरीक़े को वो दीन का नाम देते हैं. ये अकीदे की खराबी का नतीजा करार देता है, उसी खराबियों को दूर किया. और फिर मौजूदा दौर में ज़ाहरी और ख़ानदानी एतबार से विरासत में हमको इस्लाम मिला, ख़ानदान के ज़िम्मेदार अफराद ने नाम मुसलमान का दिया, ख़ुद उनके सामने हम मुसलमान हैं ज़ाहिर करके बतलाया. अब ज़िम्मेदारी है तरबियत की, शायद तरबियत की खामी है वग़ैरह वग़ैरह. दावा इस्लाम का, इस्लामी का, मुसलमानी का अमली एतबार से बीसियों चीज़ें कलाम पाक में जो ताल्लुक़ रखते हैं, जो कलाम पाक को अल्लाह का कलाम समझना है, उस पर यकीन और खौफ रख कर अमल करना है, उस अमल से हम कहलाने वाले मुसलमानों में भी बहुत सी खराबियाँ हैं. यहाँ खिताब आगे से पीछे से डायरेक्ट जो चल रहा है, जो मुसलमान नहीं हैं उनसे, तो बिलरास्त हकीकत में जो मुसलमान नहीं हैं उनसे भी इनडायरेक्ट उनसे भी मुतालबा है. पहले यकीन को बनाओ, हकीकत को जानो और समझो, एक बात. दूसरी बात, अब तक इस आयत से पहले तक जुड़ी हुई आयत तक अल्लाह ताला की कुदरत के मज़ाहिर जो मुशाहदे में इंसान के हैं, गौर व फिक्र की कमी की वजह से अकीदे तौहीद के ऊपर कायम नहीं है, नाफरमानी तरफ चल पड़ रहा है, गैर मुस्लिमों के को अकीदे तौहीद की तालीम का तरीक़ा बताए,
उन्हीं की तरफ से होने वाला एक एतराज कुरान के नुजूल के वक्त से था, आज भी है। दूसरी रुकावट ये थी, पैगंबर की, दीन इस्लाम की, मुसलमानों की मुखालिफत करते रहे, फिर उसके बाद मुखालिफत के लिए एक सबसे बड़ा हथकंडा उनके पास ये भी था, इसलिए कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाजिल होने वाले कलाम पाक को सुनाते थे, समझाते थे, हकीकत बताते थे। जिन्होंने समझा, शिर्क मुशरिकाना अकल को, फिक्र को, अकीदे को अपने बदन से धोकर निकाल दिया, फिर इधर रुजू हो गए। इस तरह धोया कि इसमें हलावत, लज्जत, ईमान की इतनी पैदा हुई, मुसीबतें उनके लिए रुकावटें नहीं बनी। जिला वतनी, तर्क वतन रुकावट नहीं बनी। मईशत की तंगी, भूख और प्यास जैसे हालात दुनिया ने पैदा किए, उसको भी झेलना अच्छा और उसमें हलावत और लज्जत महसूस हुई। अब इनके लिए इनकार की जो एक चीज़ थी कि अल्लाह ताला का पयाम हम जैसे इंसानों में से एक इंसान के पास, ये हो नहीं सकता है। मुशरिकों का खिदमत उस दौर में यहूदी भी थे, नसरानी भी थे, आज भी हैं, आज भी इस दीन इस्लाम की मुखालिफत करते हुए भी हैं वगैरह। उनके पास वही का आना, अल्लाह ताला की तरफ से बंदों के पास नबी का बनाया जाना, अल्लाह की किताबों का नाजिल होना, इसका यकीन है, आज भी यकीन है। लेकिन बात चीज़ का इनकार करना उसकी वजह से दीन इस्लाम से खारिज है। तौरात आज भी उनके हाथों में है, उनका अपने दावे में हमारी शरीयत बाकी है, हमारे पैगंबर की पैगंबरी ख़त्म नहीं हुई है, इसके बाद वाले पैगंबरों को हम कबूल नहीं करते वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से अकीदे तौहीद से वो खारिज है, इस्लाम से खारिज है। लेकिन ये मुशरिक, मुशरिक कहो काफिर कहो, मुशरिक कहो काफिर कहो, बुत परस्त कहो, ये पैगंबर इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद सैकड़ों 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 सालों तक उस कौम में नबियों का आना, अल्लाह की किताब का नाजिल होना, इस जैसी चीज़ नहीं रही। अल्लाह ताला ने पैगंबर इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद अरबों में, अरब इंसान ने सबसे पहले किसी पैगंबर को नाजिल नहीं किया था। तो वो क्या आसमान से भी कोई किताब नाजिल होती है, नबी का इंतखाब होता है, ये मानने के लिए तैयार नहीं, इनकार करने लगे। इससे पहले इनकार की वजूहत कही रही, फिर उसके बाद ये भी एक वजह है उनकी, ये है, कहने लगे कि ये कुरान जो अल्लाह ताला का कलाम है, अल्लाह का कलाम बंदे के पास आया है, ये हमारी समझ से बाहर है, हम इसको कबूल नहीं करते। अगर आज अमली तौर पर भी बेअमल है कुरान अहकाम के ऊपर, भले अकीदा कायम करके ना कहता हो, जबान से ना कहता हो, अकीदे तौहीद से जुड़कर सबूत पेश करने के लिए जो अहकाम दिए हैं तरीक़े इस्लाम, सरी खिलाफ करता हो, दुनिया की परवाह ना करता हो, दुनिया के अकवाम की परवाह ना करता हो, तो अमली तौर पर अमली ज़िंदगी में खुल्लम खुला सरी इनकार करता है, लिहाजा उसको तौबा की ज़रूरत है, कलाम पाक के तकद्दस को पामाल कर रहा, बर्बाद कर रहा है। तकद्दस क्या है? खाली कुरान को लेके चूमना, फिर उसको बंद करके रख देना, ये उसके लिए शर्त है, लाजिम है, लेकिन उसका मकसद सिर्फ ये नहीं है। तो लिहाजा हर आयत इस्लाम पर रहने वाले के लिए भी उसके अंदर ना डायरेक्ट खिताब गैर मुस्लिम से, इनडायरेक्ट मुसलमान से भी है, कहीं ऐसा पहलू तुझमें रहने ना पाए।
वह कहते थे कि कलाम अल्लाह ताला का नहीं है, कैसा होता है? तो अल्लाह ने फरमाया उमा कान हाज़ल कुरान, ये अल्लाह ताला का जो कलाम पाक है जिसका नाम कुरान है, ये ऐसी चीज़ नहीं कि अल्लाह के सिवा किसी इंसान की ताकत में, किसी जिन की ताकत में, सारी कायनात की किसी भी मखलूक की ताकत में ऐसा कोई दम और खम, हिम्मत, ताकत, कुदरत हरगिज़ है ही नहीं कि जैसा कलाम लाए और पेश करे। इस तरह कहते हैं अपनी तरफ से बनाकर पेश करना। अब उनके सामने इस पहलू को पेश करने की वजह, उस वक्त की दुनिया में जबान के ऊपर, यानी वो खादिरुल कलाम थे, तरीक़े इस्तेमाल, लैंग्वेज के इस्तेमाल की खूबी, उसकी बुनियाद पर सारी दुनिया को गूंगे और मुक्के कहा करते थे। उस कमाल की बुनियाद के ऊपर अपने आप को अहले ज़ुबान कहते थे, दावे में सही भी थे, उनका दावा बरहक भी था। उन सारे उसूल और पैमाने के ऊपर देख लो क्या क्या किसी की ताकत और बस में है। दो वजह, इसके अंदर जो गैब की चीज़ें हैं, जो इंसान को अमन सलामती दिलाने वाली चीज़ें हैं, जो इंसान की ज़िंदगी में इसलाह पैदा करने वाली चीज़ें हैं, उस कलाम के अंदर ये चीज़ पैदा करने वाला अल्लाह ताला के सिवा इस जैसी चीज़ कोई पेश नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ ये थी कि वो शख्स जो इब्तिदा से इंतहा तक ऐसे दावेदारों की कसीन तादाद होने के बावजूद अरबों ने किसी के सामने एक हर्फ सीखने के लिए न बैठा नहीं, बिल्कुल नाखानदार, किस हर्फ की किस शक्ल कैसी बनती उसको पता भी नहीं, फिर ऐसे शख्स के ज़रिए से इस कलाम को पेश करना, ये खुद सबसे बड़ी अलामत है कि ये इंसान की तरफ से नहीं, अल्लाह की तरफ से। तो लिहाजा इस इसलाह करते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा किसी और के अंदर इस जैसा कलाम बनाकर पेश करने की ताकत है नहीं, बल्कि अल्लाह ताला का कलाम है। और इस कलाम के अंदर इस खूबी पे गौर करो, वो तमाम की तमाम चीज़ें जो उनके सामने हैं, मौजूद हैं, या उस ज़माने से पहले गुजरी हैं, दुनिया की इब्तिदा से जब बात हो रही उस वक़्त तक, आज के सुनने वाले इंसान के लिए भी सारी पिछली दुनिया से आज की इस तारीख तक भी, पीछे तो पलट कर देख ले, जायज़ा ले ले, रिसर्च कर ले, वो तमाम की तमाम चीज़ों की क्या क्या हकीकत थी तस्दीक करके बतलाती है। उस वक्त उनके सामने जो यहूद नसारा वगैरह किताबों का ये था, तौरात की तस्दीक करके बताती है, इंजील की तस्दीक करके बताती है, दीगर अंबिया का जिक्र करके बताती है, साबिया किस कौम ने क्या क्या किया, कैसे किया, हर चीज़ को बिना किसी कमी ज़्यादती के फ़र्क के सही सही वाक़े की तफसील, ये सही से रिकॉर्डिंग रखने की ताकत किस में है, खुद अल्लाह ताला की तरफ से है। फिर वो तफसील अल किताब, अल्लाह की किताब, इसका इमला खुद ऐसा है, काफ ते बे मखरा दो रते, तफसील अल किताब, तफसील अल कुतुब, इस किताब से पहले अल्लाह ताला की जितनी मुक़द्दस किताबें नाजिल की गईं, जितनी शरीयतें आईं, जितने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम आए थे, जो जो तरीक़े इंसान के खैर व भलाई के लिए पेश किए गए थे, वो तमाम के तमाम चीज़ों का एक तफसील खुलासे के तौर पर इस कलाम पाक में ज़िक्र किया गया है। ये किताब खुद हक़ानियत को बताती है, ला रे वफ़ी, लिहाजा इस कलाम पाक में अल्लाह की तरफ से होने में और जो चीज़ें पेश की गई वो हक़ बरहक़ होने में ज़र्रा बराबर भी किसी किस्म का शक और शुबा नहीं कि वो रब्बुल आलमीन की जानिब से अल्लाह का कलाम है। ये ज़बानी कहना, बयान करना, इसकी कोई अहमियत नहीं। जब ये कह रहे हैं तो दिल के अकीदे के अंदर
दिलो दिमाग के अंदर इसकी हर बात के ऊपर इतना कि मेरा रब वो फरमा रहा है, वो कैफियत पैदा करना, तो फिर हर चीज़ को अमल में दाखिल करेगा। किसी ने कह दिया ठीक है, क्योंकि ज़मान के ऊपर तो खुदरत रखते थे वो लोग, हम भी कोशिश करें तो कह सकते हैं, कह लो, किसी एक में ताकत है तो कह दो, पूरे माहिरीन मिलके जमा के कर लो, और आगे बनी इसराइल में तो फरमाया इंसानों में सारे माहिरीन को जमा करके गौर व फिक्र कर कर बना के बता दो, मदद के लिए अगर ज़रूरत पड़ती सारे जिन्ना में भी जो माहिरीन हैं उनसे भी अगर मदद मिल सकती तो ले लो, कर ही नहीं सकते। या ये कहते थे कि जब बात हुई इफ्तरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं से अपनी तरफ से बनाया है, ये कहने वाला खुद, ये मुखालिफिन खुद, उनके अपने, उनको यकीन दिलाने वाली बात नहीं, जिसको एक ना अलिफ आता ना बा आता ना लिखना आता ना पढ़ना आता। लिखाई पढ़ाई इंसान के लिए जीनत है, कमाल है, खूबी है। अनपढ़ नाखानदगी ये इंसान के लिए आयब है, लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आपको लिखाई पढ़ाई से आपको अल्लाह ताला ने दूर रखकर ये पेश किया, वो आपके लिए सबसे बड़ा कमाल है, खूबी है, मौजिज़ा है। सारी दुनिया क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए मुअल्लिम और उस्ताद बना दिया अल्लाह ताला ने। तो अल्लाह में खुलफातु भी सूरत, चलो कह दो इनसे एक सूरा उसके जैसा छोटा से छोटा सूरा बना के बताओ, यानी अल्फाबेटिकल लेटर्स जो 26 हैं उसी से अरबी बनती है, अरबी ज़बान पर दावा है, करो। अल्फाज लेंगे, अल्फाज के अंदर जो माना है वो कहाँ से लेंगे, वो अल्फाज के अंदर जो माना है वो गैब वाली चीज़ें हैं, इस दुनिया के बाद वाली चीज़ें हैं। इस दुनिया के अंदर इंसान आज का हाल जानता है, इस वक्त का गुजरा हुआ, कुछ वक्फे के बाद उसके साथ क्या होने वाला है वो नहीं जानता, आने वाले वक्त में नहीं जानता, उसका तस्करा है। कदीम कदीम ज़मानों में जिसकी रिकॉर्डिंग रख नहीं सका, ना रख सकता था इंसान, उन सारी चीज़ों की हकीकत का जिक्र है। ये मीनिंग उन वर्ड्स के अंदर माना के अंदर लाएगा कहाँ से उन्हें, और फिर अंदाज़े बयान में कोई एक हर्फ भी मीनिंग से मतलब से एक्स्ट्रा नहीं है। ये भी इंसान की सलाहियत के ऐब को बतलाती है। जितनी बात बताना है समझ में आने वाले के लिए समझाना है, जुमला उतना ही कहना है, उतने उसके अंदर वर्ड्स लाना है, एक्स्ट्रा नहीं लाना। मन इस्तता तुम, तुम्हें से जो भी इसकी इस्तेतात रखता है, अल्लाह के सिवा किसी से मदद लेना है ले लो, अल्लाह के सिवा इसलिए कि ये तो अल्लाह का कलाम पाक है, तुम इनकार कर रहे हो। इन कुन तुम सादिकीन, अगर वाकई तुम सच्चे हो, यानी तुम अपने खौल में अपने दावे में झूठे हो। कहने को तो कह दिया, बल्कि जो कोई भी इनकार करता है, अब इनकार में ये भी आ जाएगा बदअमली परवाह किए बगैर करता है तो, ये लोग क्यों कर रहे हैं, बलकज़्ज़बू बिमा लम युहीतू बिइल्मिही, इसलिए कुरान का पढ़ना, कुरान का तर्जुमा जानना, कम से कम तर्जुमे में बात पूरे वाजे नहीं होती, कम से कम ज़रूरी है इन तमाम के अमल कि इस कलाम पाक का इल्म इसके अंदर हकीकत क्या है, इसको इन्होंने कवर किया नहीं, पूरी तरह जाने भी नहीं, कहने लगे ऐसा करते ऐसा करते ऐसा करते ऐसा करते, और आगे बढ़ के दो बात जानना, वलम्मा यातिम तावील, तावील कुरान बोले तो तफसीर कुरान,
तर्जुमा तर्जुमे की हकीकत क्या है, उसका मतलब क्या है, इसको जाना ही नहीं उन्होंने, समझा ही नहीं, पूरी तरह समझे बगैर भी इनकार करने लग गए, मुखालिफत करने लग गए और मुखालिफिन की जमात बनाने लग गए और दुनिया का माल उजर उसके पास सर्फ भी करने लग गए, उसको कमाल समझने लग गए, लगे हुए हैं, कर रहे हैं। पिछली दुनिया करती रही है, आज की दुनिया भी सबसे ज़्यादा आस्तीन चढ़ाकर आगे बढ़ी हुई है, आगे भी चलते रहेगी। ये हुआ तो मौजूदा इंसान को जिक्र करते हैं, कदारी का कर्जा बल लग जाना, ऐसा सोचते हो तुम अगर, ऐसा करते हो तुम अगर जो कि कर रहे हो, ये कोई नई चीज़ नहीं है। तुमसे पहले पहले जितने कौमें गुजरे ऐसे मुखालिफिन अल्लाह के कलाम की, अल्लाह के रसूलों की, नेक और साले बंदों के अमल तरीक़े ज़िंदगी की, इनकार करने वाले, झुठलाने वाले, यकीन न करने वाले गुजरे हैं। तुम भी करें तो उनके नक्श कदम पे चल रहे, अल्फाज दीगर शैतान की परस्तिश कर रही, शैतानी दिमाग चाल चलन फिक्र तर्ज और तरीक़ा इख्तियार करने वालों के तरीक़े को तुमने अपना रखा है। ये कलाम पाक तुम्हारे इस तर्ज फिक्र की इसलाह करना चाहता है। अगर सुधरना नहीं चाहते, अगर नहीं सुधरना चाहते तो पहले भी नहीं सुधरना चाहता, उन्होंने काफ़ी मौका दिया अल्लाह ताला ने, मोहलत दी, फिर आखिरकार उनको फंजुर कैफा खाना आकबत ज़ालिमीन, उन ज़ालिमों का, नाफरमानों का, फासिकों का, फाजिरों का, रसूलों के मुनकरीन का, अल्लाह की किताब की हकीकत को न मानने वालों का, ये सारा मफहूम ज़ालिम में आता है। इनका अंजाम कैसे हुआ गौर करो, कैसा गौर करेंगे, तफसील बता दिए, इसमें ऊँच नीच नहीं है, जूँ का तो वाक़े की तफसील है। चंद अंबिया किराम अलैहिस्सलाम और उनके कौमों उनके वाक़ियात की तफसील पेश कर दिए, ऐसे उसके अलावा और भी हैं, उन अंजामों में से कई निशानियां तुम आज भी देखते हो। वो अरब जानते भी थे, अब अरब से हटकर भी गैर अरब भी दुनिया का अपने अपने मुल्कों का इलाकों का जायज़ा लेते चलो, तारीख़ी शक्ल में, आसे ख़दीमा की शक्ल में, बीसों चीज़ों की दुनियावी नक़्ते नज़र से हिफाजत कर रहे हो, लेकिन उसमें थिंकिंग गौर व फिक्र वाली कैफियत से चलो तो अंजाम क्या हुआ तुम्हें पता चलेगा। अरे नहीं मानोगे तो बिगड़ेगा तुम्हारा, मानोगे सुधरोगे तो भला होगा तुम्हारा, ये दुनिया भलाई के साथ तुम्हें मिलेगी। दुनिया की ज़िंदगी होते हुए खैर व बरकत से महरूम हो, पानी की कमी होना अल्लाह ताला की तरफ से एक तंबीह और अज़ाब की शक्ल है, बंदों के नाफरमान बंदे होने का ऐलान है। ज़िंदगी में उथल पुथल होना, इत्मीनान सुकून का ना होना, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक तंबीह है। अल्लाह ने दिल दिमाग कान आँख जो दे रखा है उसके ज़रिए से गौर व फिक्र कर कर पयाम खुदाबंदी को जानने के लिए ऐलान है। हर ज़माने में होते रहा, ये भी ज़माना कोई नया नहीं, लेकिन अल्लाह तबारकुल्लाह रहमत का पयाम भेजने के लिए रुके नहीं, बाकी रखे हैं। दुनिया बाकी, ज़िंदा इंसान बाकी का मतलब है कि उनके लिए चांस है, मौका है तौबा करने का, अल्लाह की तरफ रुजू होकर बाद वाली हयात में रहमत वाली ज़िंदगी हमेशा पाने का। अगर ये मौका गंवा दिए तो फिर जहमत और मुसीबत वाली ज़िंदगी के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। लिहाजा अल्लाह ताला फरमाते हैं उमिनू मई उमिनू भी, इन्हीं नाफरमान इंसानों में, नाफरमानी में इंतहा को पहुँच कर भी चंद बंदे ऐसे भी हैं बात समझे, न सिर्फ इस्लाम लाए, ईमान की मजबूत कड़ियों को इख्तियार करके ज़िंदगी सर किए, आज भी हैं लगे बंदे, लेकिन उनमें से बहुत से इसको सब कुछ मानने के बाद
मालूम होने के बाद, इसके मुजाहरे उनके सामने आने के बाद यकीन ही नहीं करते। तो अल्लाह ताला ईमान पर कायम बाकी रहने वालों को, उसका इनकार करने वालों को, कोई भी इंसान अल्लाह के इल्म से बाहर नहीं है तुम्हारा खूब जानता है, इसमें मुफसिद कौन है, गलत फिक्र वाला कौन है, गलत तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करने वाला कौन है, आकाम खुदाबंदी की परवाह न करने वाला कौन है, ये मुफसिद है। कारोबार में ऊंच नीच करना ये फसाद फैलाना है अल्लाह की मखलूक में, किसी के हक को तलब करना फसाद फैलाना है इसमें, गलत अकीदे से अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह को तकद्दस का बड़ा दर्जा दे देना, ये फसाद है इस कायनात के अंदर। झूठ का सहारा लेना ये अल्लाह की मखलूक में कायनात में फसाद और बिगाड़ पैदा कर रहा है। जितने खराबियाँ सब, चोरी करना, डाका डालना, ये अल्लाह ताला की मखलूक में उसमें कायनात में फसाद पैदा कर रहा है, बिगाड़ पैदा कर रहा है, ये सारे के सारे जराइम हैं। तो अल्लाह ताला बोल के ये छूटने वाले हैं, तुम्हारा खूब खूब जानता है, बच नहीं पाओगे, वो अंजाम होकर रहेगा, हिसाब किताब होकर रहेगा। लेकिन सब कुछ करने के बाद, चाहे ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा नाफरमानी में गुजारने के बाद, बड़े बड़े गुनाह का भी इर्तिकाब हो गया हो, सच्चे दिल से तौबा कर कर अल्लाह के रहम का तालिब बनकर आ जाए, तो अल्लाह ताला सारी चीज़ों को माफ़ी का ऐलान करते हैं, बल्कि उसके साथ खुसूसी रहमत भी फरमाते हैं, मगफिरत फरमाते हैं, बड़ा इनाम जन्नत और दायमी नेमतों वाली ज़िंदगी अता फरमाते हैं। इसी से मुतल्लक इतना कहने के ऊपर भी लोग खामोश नहीं बैठेंगे, तो सब दुनिया खामोश नहीं बैठी आज भी, हाँ और ना और तू और मैं की नौबत जब आती है, आती रही है, आ रही है, अब तो चल रही है, ऐसी सूरत में हर ऐसा मकाम जहाँ मुसलमानों का ज़ोर और पावर ना हो, ईमानी ताकत और क़ुव्वत को क़ानून से नाफिस कर सके, ऐसी जगह मुसलमान के लिए क्या ज़िम्मेदारी है? क्योंकि मुश्किलाना माहौल में तुम्हारा उठना बैठना है, तो तुमको क्या तरीक़ा इख्तियार करना चाहिए? उस वक्त भी उस जैसा तरीक़े का हुक्म दिया गया था कुरान के नुज़ूल के वक़्त पर, उसकी तफसीली नकली आयतों में।